नहीं पाए। भगवान ने सोचा मेरी माता को इतना दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए रुक जा, भीलू नहीं, मेरी माता को दर्द नहीं होना चाहिए। भगवान को उदी ज्ञान था, भगवान को पता चला कि मेरी माता को दर्द नहीं होने चाहिए, भगवान थोड़े टाइम के लिए रुक गए। माता के पास उदी ज्ञान नहीं था, माता को ऐसा लगे शायद मेरा घर का मर गया होगा, मेरा बेटा मर गया होगा, शायद घर में कुछ हो गया होगा, शायद होगा नहीं। माता इतनी टेंशन में आ गई, इतनी रोने लगी और पिछला माता मूर्छित हो गए। भगवान ने घर पे रहते हुए सोचा कि 2-5-10 मिनट के लिए अगर मैं रुक गया और मेरी माता मेरे प्रेम में मेरे स्नेह में इतनी मूर्छित हो गई, जब मैं रिक्शा लूंगा तो मेरी माता का क्या हाल होगा। भगवान ने घर में सबसे पहला संकल्प लिया, जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हो गए मैं रिक्शा नहीं लूंगा। सबसे पहले आलम्बन देने वाले हो, माता पिता की सेवा करने के लिए आलम्बन भूत हो, तो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान है। वो कौन थे? परमात्मा महावीर स्वामी भगवान थे। उनको पता था ये दिन ये समय मेरी दीक्षा है, भगवान का आलम्बन लेना है। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि भगवान ने ऐसा नियम लिया था तो मैं भी नियम ले लूं कि जब तक माँ बाप है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूं। लेकिन वो तो भगवान थे, भगवान ने सबसे पहला आलम्बन अपने को वो दिया कि माता पिता को थोड़ा भी दर्द हुए वैसा काम कभी मैं नहीं करूं। भगवान ने पछताल ले लिया, भगवान जैसे भगवान, भगवान को सब पता था, औदी ज्ञानी थे। तीन लोग के नाथ थे, देवादि देव थे, फिर भी मेरी माता पिता को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से थोड़ी भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने ऐसा पहला विग्रह घर में ही ले लिया, अभी तो परमात्मा का जन्म नहीं हुआ था। और कभी भी अपनी माता के आंख में अगर आंसू आता है तो समझना कि आप बहुत दुर्भाग्य हो, बहुत दुर्भाग्य हो। ये जगत के अंदर अगर श्री नहीं होती ना तो दुनिया का सर्जन नहीं होता। और आज भी ये जगत अगर दुनिया चलती है तो सबसे बड़ा कहा जाए ना तो जो मैनेजमेंट है ना वो श्रीओ से चलता है, पता है कैसे? एजुकेशन, सेकंड मनी, फाइनेंस लक्ष्मी, और थर्ड डिफेंस। एजुकेशन की देवी कौन है?